हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से रेलवे की तरफ से जो एक विज्ञप्ति निकाली गई है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं नोटिस है, विज्ञप्ति। ये एक कंपनी है जिसका एवेस्ट्रैन करके नाम है, ठीक है, इसके माध्यम से निकाली गई है। और ये PDF काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। सब लोग कह रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा कि ये वैकेंसी रियल है या फेक है दोस्तों, तो ये आपको पता चलेगा। तो पहले मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें। दोस्तों, अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही दोस्तों, आप लोग यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ये देखिए 7/8/2020 को एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। एवेस्ट्रॉन इन्फोटेक के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से भारतीय रेलवे विभाग में 11 साल के अनुबंध पर विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ की जा रही हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से भरे जाएंगे और प्रत्येक नियुक्तियाँ साक्षात्कार के आधार पर की जाएंगी। ये दोस्तों एवेस्ट्रॉन इन्फोटेक के द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, वैकेंसी लगभग आपकी देखिए 5285 प्लस वैकेंसी हैं, कम वैकेंसियाँ नहीं हैं। और यदि इसके देखिए आप सैलरी की बात करें, सैलरी भी इसमें काफ़ी अच्छी दिखाई गई है दोस्तों। जूनियर असिस्टेंट की आप देख रहे हैं 600 पोस्ट यहाँ पर बता रहे हैं और 21,500, कंट्रोलर की 42,000 बताइए। आप समझ रहे हैं प्राइवेट कंपनी आपको इतना देगी। और बुकिंग क्लर्क में 26,000, गेटमैन की 24,000, समझ रहे गेटमैन की आपकी 24,000 वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट जो है वह 21,500, आप खुद समझिए। और कैंटीन सुपरवाइजर की 32,000, समझ रहे हैं, कैंटीन सुपरवाइजर की दोस्तों 32,000, प्यून की आपकी 16,000, कैबिन मैन की आपकी 26,000, समझ रहे हैं। वेल्डर की आप यहाँ पे देखेंगे 22,500। ये दोस्तों इसमें दावा किया जा रहा है कि इतनी सैलरी होगी जो कि काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, प्राइवेट कंपनियों के द्वारा जितना औसत दिया जाता है उससे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। उपयुक्त सभी पदों के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच इसमें कहा गया है। दोस्तों, अगर आप इसे देखेंगे तो आप यदि प्राइवेट कंपनियों से वाकिफ़ होंगे और यदि आप जॉब कर चुके हैं, आपके आसपास के रहने वाले जॉब कर चुके हैं, तो पहली बात तो दोस्तों स्टार्टिंग में कभी इतनी सैलरी हो ही नहीं सकती है, आपको ये पता होना चाहिए। और ये ऐसी सैलरी लिखी हुई है जिसे देखकर आपका मन तुरंत ललचा जाएगा, आप इसके भाव में आ जाएंगे कि यार ये वैकेंसी तो काफ़ी अच्छी है यार, 11 साल भी कम नहीं होते हैं। 11 साल पर अनुबंध अगर यदि लिया जा रहा है तो काफ़ी अच्छा है, आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ दोस्तों कि ये वैकेंसी आपकी पूरी तरह से दोस्तों आपकी ये फेक वैकेंसी है, ये आप नोट कर लीजिए, पूरी तरह से दोस्तों फेक वैकेंसी, ये रियल वैकेंसी नहीं है आपकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये सब चीज़ देख रहे हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो दी हुई हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें सबसे ख़तरनाक बात जो दोस्तों थी इसमें मैंने देखा, आप अगर इस पॉइंट को देखें, अभ्यर्थी के कार्यकाल के दौरान उसके द्वारा किए गए किसी प्रकार के कृत्य के कारण यदि भारतीय रेल विभाग द्वारा कंपनी से क्षतिपूर्ति पेनाल्टी की मांग की जाती है तो इस धनराशि की रिकवरी संबंधित अभ्यर्थी या कर्मी से की जाएगी, समझ रहे हैं। यदि कोई भी नुकसान होता है तो आपके ही सिर में चढ़ेगा, आपके ही सैलरी से काटा जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और ये भी नहीं कि केवल ट्रेनिंग पीरियड में, आप 11 साल जब तक नौकरी करेंगे तब तक के लिए इसमें लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे आप समय। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ आपको देखिए इंपॉर्टेंट, जो इस तरह की जब विज्ञप्तियाँ दोस्तों निकलती हैं, अगर आपने कभी भी नोटिस किया हो, हमेशा आपके जो देखिए जैसे जारीकर्ता निर्देशक सेवा प्रदाता कंपनी एवेस्ट्रॉन इन्फोटेक, यहाँ पर दोस्तों आपको सिग्नेचर जरूर मिलेंगे, आपके मैनुअल सिग्नेचर, और यहाँ पर वो सिग्नेचर नहीं है। आप यहाँ पर भी देखेंगे, देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी कोई सिग्नेचर नहीं है। इससे दोस्तों सिद्ध होता है कि ये एक फेक विज्ञप्ति है। और यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ दोस्तों, ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ न्यूज़पेपर आपके, मैंने गूगल में सर्च कि आप भी सर्च करेंगे तो उसमें आपको दिखे, ये आप देख सकते हैं दोस्तों लाइव मिंट की यहाँ पर खबर है, ठीक है। मैंने जब सर्च किया रेलवे टू टेक एक्शन अगेंस्ट वैकेंसी अगेंस्ट एजेंसी इश्यूंग फॉल्स रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट, ये देखिए आप देख सकते हैं 5285 पदों पर जो 8 कैटेगरी में जो आपका दावा किया जा रहा था कि वैकेंसी निकली हैं, तो इन पर आप देख सकते हैं रेलवे एक्शन लेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों, ये ऐसी खबरें निकल कैसे जाती हैं और ये वायरल कैसे हो जाती हैं, आखिर रेलवे तुरंत इन सब चीज़ों पर रोक कैसे नहीं लगा देता है। अब यहाँ पे यही सबसे बड़ा सवाल है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों ये एवेस्ट्रॉन कंपनी, बताइए इसको एवेस्ट्रॉन इन्फोटेक के द्वारा बताइए वैकेंसी निकाल दी जाती है और रेलवे को पता भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हादसास्पद बात लगती है। और एवेस्ट्रॉन भी आप देखेंगे ना दोस्तों काफ़ी अच्छी कंपनी भी है, लेकिन
भारत है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। चलिए दोस्तों, ये आपको जानकारी देने के लिए वीडियो थी महत्वपूर्ण। आप भी दोस्तों सावधान रहिए, ऐसे किसी भी एडवर्टाइज से ज़रूर बचिए जो फेक है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, जो भी विज्ञप्तियाँ निकलती हैं उस पर हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों। आपको नीचे जब ये देखिए जारी करती है निर्देशक होंगे, यहाँ पर आपको सिग्नेचर पक्का मिलेंगे। अगर ये नहीं है तो आप मान लीजिए फेक है, ठीक है, 99% ऐसा ही होता है। चलिए दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।